अपनी मांगों को लेकर लिपिक वर्गीय शासकीय कर्मचारी छठवें दिन भी डटे रहे हड़ताल में, शहर में निकाली रैली। शासकीय कर्मचारी संघ के आह्वान पर लिपिक वर्गीय शासकीय कर्मचारियों की हड़ताल शनिवार को छठवें दिन भी जारी रही, जिसकी वजह से सरकारी कार्यालयों में कामकाज ठप सा हो गया। ये सभी अपनी मांगों को लेकर कमिश्नर कार्यालय के सामने धरने पर बैठ गए। वेतन विसंगति सहित कई मांगों को लेकर ये लिपिक अनिश्चितकालीन धरने पर हैं। शनिवार को सरकार तक अपनी आवाज़ पहुंचाने के लिए लिपिकों द्वारा शहर में जोरदार रैली निकाली गई और अपनी मांगों को लेकर जमकर नारेबाजी की गई। इनका कहना है कि हर कार्यालयों में सारा काम बाबुओं के कंधे पर होता है और जब उनके हक की बात आती है तो सरकार उनकी नहीं सुनती। इसलिए इनका कहना है कि जब तक मांगे पूरी नहीं होती यह हड़ताल जारी रहेगी। ये आपकी क्या समस्याएं हैं और क्या मांगे? हमारी मूल समस्या वेतन विसंगत और ग्रेड में उन्नयन की है। विगत सन 1981 से हमारे वेतन में विसंगत हुई है। जितने भी कैडर हमारे वेतन मान से नीचे थे उन सबका क्रमशः कब्जा हर वेतन निर्धारण में हमसे ऊपर होता चला गया और हम समय समय पर शासन को अवगत कराते रहे, लेकिन शासन द्वारा कभी हमारी वेतन संगति पर ध्यान नहीं देगा। माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने हमारी समस्याओं पर विचार किया, हमारी महापंचायत बुलाया, उन्होंने हमसे वादा किया कि आपकी वेतन संगति है उसका निराकरण हम कराएंगे और तुरंत एक उच्च स्तरीय कमेटी का उन्होंने गठन कर दिया। कमेटी ने हमारे पूरे प्रकरण का परीक्षण किया। परीक्षण करने के बाद अपना अनुशंसा प्रतिवेदन शासन को 14 जुलाई 2017 को सौंप दिया। 14 जुलाई 2017 से आज दिनांक तक सरकार द्वारा उसमें प्रभावशाली कोई भी अनुकूल कार्यवाही नहीं हुई, जबकि समय समय पर हम भूख हड़ताल, धरना प्रदर्शन, सांकेतिक हड़ताल के माध्यम से शासन विधान आदेश कराए, फिर भी कोई कार्रवाई सरकार नहीं की। इसीलिए हम लोग मजबूर होकर के 3 जुलाई 2018 से अनिश्चितकाल आंदोलन पर अड़े हैं। क्या नाम है आपका? पी के शुक्ला, अध्यक्ष कर्मचारी संघ जिला शाखा जी। राजकुमार चौबे, हमारी जो मांगे वेतन विसंगत की, आज 23 तारीख से हम लोग आंदोलन रखा है। सरकार ने हमारी मांगी अभी तक नहीं मानी है। आज हम लोग निर्णय लिया है कि अभी हम सब लोग अभी यहाँ रैली निकालेंगे। रैली निकालने के बाद फिर से हम यहाँ आ जाएंगे। और माननीय मंत्री जी राजेंद्र शुक्ला जी हैं जो रीवा के ही रहने वाले हैं और अच्छे मंत्री हैं, उनकी अच्छे मंत्री में गिनती होती है। उनसे हम लोग जाके मिलेंगे, उनसे अनुरोध करेंगे कि आगामी कैबिनेट की बैठक होने वाली है, हमारी जो लिपिकों की वेतन विसंगत है, आज हमारी बहुत दिक्कत है। जो हमारे साथी थे आज जो 30 से 35 हज़ार हमसे ज़्यादा पा रहे हैं, जो हमारे बराबर में थे आज जो 30 से 35 हज़ार ज़्यादा पा रहे हैं, हम कम पा रहे हैं। हम सबसे ज़्यादा काम करते हैं। आप देख रहे हैं जब से लिपिक हड़ताल पर हैं कोई भी कार्यालय के काम नहीं हो रहे हैं, जो भी शासकीय योजनाएँ हैं उनका क्रियान्वयन नहीं हो रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि हमारा बीमारू प्रदेश था, हम उसको बहुत उच्च स्तरीय प्रदेश बना दिए हैं, लेकिन अगर ये कर्मचारी काम ना करते तो कैसे बना देते? क्या अकेले उन्होंने काम किया है? हम कर्मचारियों ने काम नहीं किया है। मेरा निवेदन है मुख्यमंत्री जी से कि हम कर्मचारी जिस तरीके से शासन का काम करते हैं उस तरीके से हमारी मांगों को भी पूरा कराएं। ये आंदोलन का छठवां दिन है। आज हमारे साथियों ने शहर के अंदर एक जुलूस के माध्यम से रैली निकालने का निर्णय लिया है। हम सभी लोग रैली के रूप में शहर में अपने अन्य संवर्गीय साथियों को भी ये बताएंगे कि हम इतने दिनों से अपनी मांगों के समर्थन में आंदोलनरत हैं, तो जब तक हमारी मांगे पूरी न हो जाए तब तक आप सबका सहयोग हमारे साथ बना रहे। इसी के साथ हमारा आंदोलन चलता रहे।